अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पीएचई के इंजीनियर को अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए 38 सालों तक इंतजार करना पड़ा है। दरअसल मामला भोपाल कोर्ट से शुरू होकर विदिशा फैमिली कोर्ट, ग्वालियर फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला। इस बीच इंजीनियर ने दूसरी शादी की, दो बच्चे हुए, उनकी भी शादी हो गई और वो खुद रिटायर्ड हो गया है। आखिरकार इंजीनियर को अब जाकर एक मुश्त 12 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने के साथ विधिवत तलाक की अनुमति दोनों पक्षों की सहमति से मिल पाई है। दरअसल भोपाल के रहने वाले रिटायर्ड इंजीनियर की शादी ग्वालियर की रहने वाली युवती से 1981 में हुई थी। 4 सालों तक पत्नी को बच्चा नहीं होने पर जुलाई 1985 में पति ने भोपाल में तलाक के लिए आवेदन पेश किया था, लेकिन उसका दावा खारिज हो गया। इस बीच पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे। इसके बाद पति ने विदिशा न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया, जिसके उलट दिसंबर 1989 में पत्नी ने संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में आवेदन पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में एक पक्षी कार्यवाही करते हुए पति को तलाक लेने का अधिकारी माना और उसके पक्ष में फैसला दिया। आपको बता दें मार्च 1990 में इंजीनियर पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन पहली पत्नी ने तलाक के आदेश के खिलाफ अपील की, जो कोर्ट में स्वीकार हो गई। यह मामला लगातार कोर्ट में चलता रहा और अप्रैल 2020 में पति का विदिशा में लंबित तलाक का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने पति की अपील 2006 में खारिज कर दी। इसके खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की। पति की SLP भी सुप्रीम कोर्ट से 2008 में खारिज हो गई। पति ने फिर तलाक के लिए 2008 में आवेदन दिया, तब जाकर जुलाई 2015 में विदिशा कोर्ट ने पति का आवेदन फिर से खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपील दायर की थी, जिस दौरान दूसरी पत्नी से इंजीनियर के दो बच्चे हुए और उनकी भी शादी हो चुकी है और अब इंजीनियर रिटायर्ड भी हो चुका है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अब पति पत्नी सहमति से तलाक के लिए राजी हो गए। अब इस मामले की सुनवाई फरवरी 2024 में होनी है। आपको बता दें हाई कोर्ट ने पति को निर्देश दिए हैं कि वह पत्नी को एक मुश्त 12 लाख रुपए चुकाएगा। इंजीनियर की पहली पत्नी के पिता पुलिस में अधिकारी थी। उनकी सोच थी कि बेटी का परिवार किसी तरह पुनर्स्थापित हो जाए, लेकिन अब बढ़ती उम्र और महिला के भाइयों की समझाइश के बाद पति पत्नी सहमति से तलाक लेने के लिए राजी हो गए हैं। अपनी पत्नी से तलाक लेने में 38 ईयर्स का समय गुजारना पड़ा। उसके द्वारा अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उसके संतान उत्पन्न नहीं होती, तलाक का आधार प्रस्तुत किया गया, परंतु विचार न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी याचिकाएं खारिज की और इसी तलाक के दौरान उसने पुनर्विवाह कर लिया था, परंतु पिता की रिटायरमेंट के बाद जो कि पुलिस कर्मी थे और भाइयों के समझाने के बाद प्रकरण आपसी सहमति से तलाक का प्रकरण तय किया गया और 38 साल बाद आपसी सहमति के बाद तलाक संपन्न हुआ। इस प्रकार जो संतान उत्पत्ति की अब जो आरोप है उस पर किसी भी न्यायालय ने तलाक देने से सहमति नहीं दिया तथा तलाक का प्रकरण नहीं बनता कहा गया।